सबसे पहले खटखट टोल की इस कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश की महान हस्तियों को यहां बुलाकर दर्शन करवाने का अवसर प्राप्त किया। यहां पर जितने भी बुद्धिजीव बैठे हैं, हम सभी को एक चीज सीखने की आज भी जरूरत है। जो 13 महीने आंदोलन चला, जिसको आप लोग ये मानते हो कि वो आंदोलन हमने जीत लिया था, मेरा मानना यह है वो लड़ाई आज भी अधूरी है। क्योंकि जो 3 काले कानून उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैश करने के लिए, आप लोगों को वहां से उठाने के लिए झूठी दिलासा दी गई, और वही काले कानून आज टुकड़ों में आप लोगों पर थोपे जा रहे हैं। हम लोग एक चीज तो सीखे हैं, लड़ना, लेकिन एक चीज आज भी अधूरी है, हम लड़ाई को पूरा नहीं करते। कोई भी लड़ाई हुई, कहीं भी धरना दे, हमें कोई भी जब झूठा आश्वासन मिलता है, हम अपनी लड़ाई को वहीं समाप्त करके अगले नेता की जय बोलकर अपने घर आ जाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आंदोलन में हमने क्या खोया? हमारे 750 किसान, एक किसान खोने का मतलब एक परिवार बर्बाद होना। हमने कितने हजार करोड़ रुपए खोए, हमें कोई बाहर से चंदा नहीं आता था, सब किसानों के घर से आता था। एक लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते थे, वही गलतियां वो करते थे। जिस सिंघू बॉर्डर पे, जिस टोल पे आप बैठे थे, उसके पास में गांव था निवासपुर। कभी दोबारा जाओ वहां जाके देखना, जिस वक्त हम गुलाम थे, उस गांव ने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर लिया। अंग्रेजों की सेना आई, पूरे के पूरे गांव को रोड पे लटा दिया और कोड़ों के साथ पीटना शुरू किया, क्योंकि आसपास वाले गांव खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि हमारा गांव नहीं पीट रहे तो निवासपुर पीट रहे। और उस गांव के कुछ छत्ती, जिनमें सबसे बड़ा नाम था शहीद उद्मी राम, वे छुप कर गुरीला युद्ध करते थे हम लोगों के लिए कि हम लोगों को लगान ना देना पड़े। उसके पिता को गांव में जाकर पीटा जाता है, अपने बेटे को बुला, वो इतना बड़ा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता है। उद्मी राम को कोड़ों के साथ पीटा जाता, तो उद्मी राम ये कहता है, मेरे बेटे ने इस गांव की जमीन को, मेरे बेटे ने इस गांव की इज्जत को बचा रखा, मेरी जान ले लोगे तब भी नहीं बुलाऊंगा। उद्मी राम के पिता को कहते हैं, इसी गांव को आग लगा देंगे अगर तुमने अपना बेटा नहीं बुलाया। एक बार गांव को बचाने के लिए छत पर चढ़ता है और छत पर चढ़ के अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटे उद्मी, अरे गांव में फूकड़ लाग रहे हैं, आवाज सुनता हो अपने बापू की बाहर आ जा। आवाज सुनकर उद्मी बाहर आता है, गांव नहीं फूकड़ दे बाबू, तेरा बेटा ने जान दे देगा। और जब वो उद्मी बाहर आता है, अंग्रेज उसको गिरफ्तार करते हैं 22 साथियों के साथ, उसी सिंधु बॉर्डर पे लेटा के अंधी हथेली को दारू पिला के उन 22 के 2200 को वहीं मलीला जाता है, पूरी तरीके से कुचला जाता है। उस उद्मी राम को एक बरगद के पेड़ पर 35 दिन तक लटका दिया गया, और वही अंग्रेज उन गांव को डराने के लिए उसको पानी की जगह अपना मूत्र पिलाते थे। 36वें दिन ये बताते हैं, उस उद्मी राम का शरीर पूरा होता है, उनकी जो जमीन है आज भी आसपास के गांव में गिरवी रखी हुई है। हमने आज तक वो लड़ाई पूरी लड़नी नहीं आई, वो हमारे पीछे चले गए तो आसपास के गांव डर गए, कभी दोबारा से हम आवाज उठाए और हमारे साथ भी यही असर हो। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ, ये जो 750 साथी हमारे लिए कुर्बानी दे के गए हैं, हो सकता है अगला नंबर आप लोगों का या हमारा भी हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिसकी जान चली जाए, जान के बाद उस लड़ाई को पूरा करना चाहिए। अगर आप इस सरकार
साहब का भला करते हैं। क्या उम्मीद करते हो आप लोग? जब तक आम किसान दलित और कमेरे वर्ग का बेटा खुद सत्ता में नहीं बैठेगा, आप लोगों का भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समय कम है, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो, आपका बच्चा आपका बेटा हूँ, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। जय जवान, जय किसान।